ये दोस्तों आपका पुनः स्वागत है एक बार आपके YouTube चैनल पे। आज हम लोग लेके आ गए हैं 28 अक्टूबर 2024 क्या समाचार पत्र, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में, हम लोग जानेंगे करेंट अफेयर्स, फिर हम जानेंगे हमारे खेल से संबंधित और उसी के बीच हम जानेंगे कि क्या कौन सी वैकेंसी आई हैं, क्या किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, योग्यता क्या है। इन सभी बातों को हम बहुत जल्दी जल्दी और बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप डेली ऐसे ही वीडियो चाहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज है 28 अक्टूबर। इसके पहले हम लोग प्रतिदिन आप लोगों के लिए श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग डेली न्यूज़पेपर समाचार पत्रों का संगठन देख रहे हैं, जिसमें आप करंट अफेयर से लेकर संपूर्ण जानकारी, देश विदेश में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या आगामी रणनीतियां, सब कुछ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिजिटल अरेस्ट से डरे नहीं, रुके सोचे और एक्शन लें, यह मोदी जी का कहना है। पर कह क्या रहे हैं, किस बारे में, चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में, देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें साइबर अपराधी लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 115वीं मन की बात कार्यक्रम में इस चिंता को जताया और उन्होंने बताया कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर लोगों को धमकाकर पैसे की मांग जो है वो नहीं करती है। डिजिटल गिरफ्तारी के लिए कॉल करने पर खुद को पुलिस, सीबीआई, आरबीआई या नारकोटिक्स का अधिकारी बताते हुए वे आत्मविश्वास से बात करते हैं। मतलब आप लोगों को सतर्क रहना है, पहली बात आपको ध्यान नहीं देना है जल्दबाजी में, लोगों से अगर आपको कुछ कहें तो आपको ठगना नहीं है, फिक्सिंग से बचना, इस प्रकार से मोदी जी ने आप लोगों के लिए बात कही। उसी प्रकार आगे की बात करते हैं तो ये है कनाडा की, हम बात कर सकते हैं कनाडा की जो वहाँ पर अर्थव्यवस्था है वो 2 लाख भारतीय छात्रों पर टिकी है। कनाडा की 20% अर्थव्यवस्था, मतलब वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर लगभग 20% जो भारतीय लोग हैं उन्हीं के द्वारा अर्थव्यवस्था वहाँ पर बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रही है। इसमें हमारे भारतीय लोग वहाँ पर जो गए हैं, प्रवासी हैं, उन्होंने अपने जो कह सकते हैं कारोबार से या कह सकते हैं अपने नौकरी से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे की बात करें तो हेलीकॉप्टर से देख सकेंगे आप प्रयाग का महाकुंभ विहंगम नज़ारा। मतलब आपको पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है जो 13 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें गंगा यमुना लुप्त सरस्वती के संगम में विहंग नज़ारे का हेलीकॉप्टर से आप देख सकेंगे, क्योंकि जो नज़ारा है अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है तो आप हेलीकॉप्टर के द्वारा ही देख सकते हैं, अन्यथा यह नज़ारा आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे। आगे की बात करें, हरियाणा में हरिद्वार के पतंजलि शोध संस्थान जैसे इस संस्थान स्थापित करने में करेंगे सहयोग, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये हमारे चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं हम लोग, पानीपत में जल्द होगा निर्माण शुरू। मतलब कि वहाँ पर नयाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, हरिद्वार पर स्थित पतंजलि योगपीठ में आचार्य कुलम के 12वें वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने हरियाणा में हरिद्वार से भी बड़ा आचार्य कुलम स्थापित करने की बात की है। तो इसी पर यहां पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दी है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, विवेक जोशी के सीएम बनने के बाद होंगे बड़े स्तर पर तबादले। मतलब चंडीगढ़ में अब विवेक जोशी जैसे ही सीएम बनते हैं तो मान लीजिए वहां पर बहुत ज़्यादा लोगों के तबादले होने वाले हैं, मतलब प्रमोशन होने वाले हैं, एक जगह से दूसरे जगह में लोग जा सकेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं, असम भर्ती को लेकर राज्य में मोबाइल इंटरनेट बंद होगा। मतलब असम में जो भर्ती होने वाली, शिक्षक भर्ती कह सकते हैं, कोई भी जो भर्ती होने वाली हैं उनमें अब डेली जो रहेगा कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं उन्हें बंद कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रहता है साइबर क्राइम की बहुत ज़्यादा घटनाएँ हो सकती हैं, जैसे नकल प्रकरण हो सकता है, सब इन्हीं पर बात की जा रही है। आगे की बात करते हैं तो वडोदरा पीएम मोदी टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, सीएम योगी ने स्कॉलरशिप योजना का किया है शुरुआत। क्या है स्कॉलरशिप योजना, देख लीजिए आप लोग। इसमें हम बात करते हैं, वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में रविवार को सीएम योगी जी ने उनका मंगलाचरण से स्वागत किया। इस दौरान कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा ने सीएम योगी का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया और सीएम योगी ने संस्कृत के छात्रों को स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ के संस्कृत वाले बच्चे जो भी होंगे उनके लिए यहाँ पर
कह सकते हैं स्कॉलरशिप की योजना का शुभारंभ किया गया है। फिर आगे की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है तो अस्पताल में इलाज के इंतजाम नहीं, नतीजा ये हो रहा है कि 7 साल में मध्य प्रदेश के आयुष्मान ने दूसरे राज्यों को दे दिए 1085 करोड़, हमें मिले हैं सिर्फ 220 करोड़ रुपये। मतलब आयुष्मान जो योजना है उसके तहत आपको पता है 5 लाख तक जो इलाज है वो फ्री में होता है, तो इस पर जो आयुष्मान के हैं वो लगभग 1085 करोड़ दूसरे राज्यों के हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 220 करोड़ ही रुपए इसमें मिले हैं, तो ये भी एक चिंता के विषय है मध्य प्रदेश के लिए। वहीं सोयाबीन की हम बात करें, सोयाबीन आजकल बहुत ही ज़्यादा महंगाई के रूप में कह सकते हैं हम लोग, या किसानों के लिए बहुत अच्छी जो पैदावार हुई है उसकी अच्छी रकम मिलेगी, 4,892 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा सोयाबीन पर। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वहाँ पर नमी मिली तो खरीदी केंद्र पर होगा उसे रिजेक्ट करने का आदेश, मतलब आपके सोयाबीन में नमी नहीं होना चाहिए, उस दाना अच्छा सूखा होना चाहिए तभी वह यहां पर खरीदा जाएगा। उसी प्रकार यहां पर देख सकते हैं अहमदाबाद के नारोल की देवी सिंथेटिक फैक्ट्री में केमिकल रिएक्शन से भगदड़ मच गई। भगदड़ मची क्यों? क्योंकि वहां पर गैस का रिसा हुआ, दम घुटने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई और 7 अस्पताल में भर्ती हैं और 4 वॉलंटियर पर भी अभी इस बारे में कह सकते हैं वो भी अभी भर्ती हैं। तो इस प्रकार से यहां पर ये देखने को मिला है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। एक और देखिए, साइबर हमला, 3 माह में बैंकों पर 300 साइबर हमले हो चुके हैं। मतलब कि जो पैसा रहता है मान लीजिए आम जनता का, वो लगभग क्या हो जाता है, किसी अन्य के खाते में चल जाता है। साइबर क्राइम क्या करते हैं लोग, किसी को OTP मांग के या कई ऐसे मतलब तरीके उनके पास जिससे वो साइबर क्राइम करते रहते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। उसी के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वैकेंसी की नज़र आ रही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार जो भी होगा, जिसकी आयु सीमा 20 से 30 वर्ष है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 30 नवंबर तक unionbankofindia.co.in पर आप जाके इसे आप आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार NIT जालंधर में भी फैकल्टी के लिए पद संख्या 132 है, ऑनलाइन आवेदन है, जिसकी अंतिम तिथि 28 नवंबर रहेगी। आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं www.nitj.ac.in पर। तो इस प्रकार से आप ये भर्ती के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी। उसी प्रकार हम क्रिकेट की बात करें तो भारत अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैच हार चुका है 3 मैचों की सीरीज में। अब भारत के पास बचे हुए टोटल 6 मैच हैं, अगर वो 6 मैचों में से 4 मैच जीतता है तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा, अन्यथा अगर वो हार जाता है, 6 में से 4 नहीं जीत पाता है तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेलेगा। ऐसे ही अनेक टीमें हैं जिनको अगर जीतना है तो कह सकते हैं, लेकिन उनमें से बाहर हुई टीमें इंग्लैंड, पाक, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज, ये टीमें अभी बाहर हो चुकी हैं। यहां पर देख सकते हैं भारत के 6 मैच बचे, ऑस्ट्रेलिया के 7 मैच बचे, श्रीलंका के 4, न्यूजीलैंड के 4 और दक्षिण अफ्रीका के 5 बचे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल जो है 11 जून 2025 में खेला जाएगा, इसके लिए अभी से ये टीम बहुत ज़्यादा से अपने कड़े प्रदर्शन को दिखाना होगा, बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमारे टेस्ट होने वाले हैं भारत के, तो उसके लिए हर्षित राणा ने 5 विकेट झटके हैं कहाँ पर, रणजी ट्रॉफी में, इसलिए उनका सलेक्शन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कर लिया गया है। फिर उसी के बाद हम लोग ये बात करें, मणिका बत्रा का ऐतिहासिक सफर जो है वो बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि WTC कह सकते हैं विश्व टेबल टेनिस में उन्होंने हार का सामना कर लिया है चीन की कियान तियानी से, वो हार कर बाहर हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। अब हम सेकंड पार्ट इसका लेके आने वाले हैं, यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में इतनी ही जानकारी लिया है, अब हम सेकंड पार्ट में इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आने वाले हैं, जिसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही अपलोड होगा सेकंड पार्ट आज का वो आपको तुरंत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा चैनल के साथ।